एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट, एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट बन गई फाइल, फोल्डर बन गया सर, हम लोग भी बना देंगे। हाँ आप लोग भी एडमिशन पोर्टल PROGCT प्रोजेक्ट, एक न्यू फोल्डर बनेगा डेस्कटॉप पर जिसका नाम होगा एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट। बन गई फाइल, बन गया सबका फोल्डर डेस्कटॉप पर। एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा। अरे वो डिजाइनिंग का बनवाया था, अरे पोर्टल डिजाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट। सर आज सर क्लास रिकॉर्ड कर लेना तो थोड़ा सा, ठीक है। एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट रावत नहीं आया, रावत और रुचि भी नहीं आया आज। रुचि भी नहीं आई बीच में, एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट। सर बना ली फाइल। बना लिया, अब इसके अंदर आप बना लो जो लोग अभी आए हैं डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट। जो भी नहीं आया आ गया, ठीक है। एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट विशाल आ गया, स्वाति सिंह नहीं आई, कर लिया। जो लोग अभी आए हैं डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर, फोल्डर का क्या नाम होगा, एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट। कर लिया, कितना कर लिया, आप देखो आपने नाम सुना है MBC। हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा ना वो किस पे बनेगा, एक्सप्रेस जेएस पर। एक्सप्रेस जेएस क्या है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क। क्या है ये, नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क समझते हो, बने बनाए लाइब्रेरी मिलना, बने बनाए पैकेजेस मिलना, ठीक है। दो क्या लिखा है यहाँ पे, वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस, ठीक है। अब हम इसमें यूज करने वाले हैं कौन सा पैटर्न, MBC। समझते हो, MBC का मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। हम जो पैटर्न यूज करेंगे ना वो कौन सा यूज करेंगे, MBC।
जो हम प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप करने वाले हैं उसका पैटर्न कौन सा रहेगा? मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये पैटर्न थे। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब क्या हुआ? हम डिजाइनिंग वाला सारा काम किसके अंदर करेंगे? व्यू के अंदर, ठीक है। डिजाइनिंग का सारा काम किसके अंदर होगा? व्यू के अंदर। अब मॉडल के अंदर क्या होगा? कलेक्शन, और कलेक्शन की फील्ड मतलब डेटाबेस वाला काम, ठीक है, वो सारा काम होगा मॉडल के अंदर। और कंट्रोलर क्या करेगा? व्यू और मॉडल के बीच वाला काम करेगा इस समय, ठीक है। कंट्रोलर काम क्या होगा? पूरा कंट्रोल करना व्यू और मॉडल के बीच का डेटा सारा कुछ। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया इतना पार्ट? एमबीसी बोलो। एक बार और बताओ। हाँ एक बार समझाता हूँ। आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो खाने खाने? जाते हो? तो यस सर। बोलो। तो थोड़ा सोचो, आप लोग रेस्टोरेंट में गए और टेबल पे जाके बैठ जाते हो, फिर क्या होता है बताओ? वेटर आता है, वेटर आता है ना, फिर आप क्या करते हो? वेटर को ऑर्डर देते हो। वेटर क्या करता है? आपका ऑर्डर लेके कहाँ जाता है बताओ? सेफ के पास जाता है। और सेफ क्या करता है? आपके लिए खाना रेडी करता है। और खाना रेडी करने के बाद वो किसको देता है खाना? आपको कि वेटर को? वेटर ठीक। और वेटर क्या करता है? वो आपको देता है लाके, ठीक है। फिर अगर आपको रोटी मंगानी होती है दोबारा से, फिर आप किससे बोलोगे? वेटर से। वेटर से, ठीक है। अगर आपको राइस मंगाना हो तो फिर आप किससे बोलोगे? वेटर से। अब वेटर क्या करता है? सेफ के पास जाता है, सेफ से बोलता है भाई राइस बना दो। तो सेफ क्या करता है? राइस बना के किसको देता है? वेटर को। और वेटर आपको देता है। यही प्रोसेस है ना रेस्टोरेंट के अंदर। अब सोचो, आपने आपने वेटर को ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने वेटर को ऑर्डर दिया कि एक काम करो यार, नान रोटी लेके आओ या मटर पनीर लेके आओ। दोबारा आपने वेटर को ऑर्डर दिया, सोचना। और बेटर गया सैफ के पास, सैफ से बोला मटर पनीर रेडी कर दो। और एक थोड़ी देर में क्या हुआ? बेटर के पास फोन आ गया इमरजेंसी में कुछ, और बेटर चला गया। तो अब मुझे ये बताओ कि जो सैफ है, सैफ ने क्या किया? मटर पनीर रेडी कर दी और बेटर चला गया। तो क्या अब वो सैफ आपको मटर पनीर दे पाएगा टेबल पे आके? ये बताओ। बोलो। नहीं, बाकी लोग दूसरे वेटर के थ्रू सर्व करवा। दूसरे वेटर को पता ही नहीं है कि मटर पनीर किससे मंगाई है। होटल में कम से कम 20 टेबल रहती हैं, 10 टेबल होती हैं होटल के अंदर। दूसरे वेटर को क्या पता है मटर पनीर किससे मंगाई है? और वेटर अर्जेंट चला गया बिना बताए। तो बताओ, और आप वेट कर रहे हो कि बटर पनीर अभी तक नहीं आया। और उतने वो परेशान है सैफ कि जी किसका ऑर्डर था, वेटर चला गया। बताओ। क्या होगा? प्रेपरेशन नहीं आ पाएगी सर। ठीक है, नहीं है सर। भूखा रहना पड़ेगा सर फिर। भूखा रहना पड़ेगा ना। अब चलो, पेमेंट वाला काम कौन करता है? बिल वाला काम सर। नहीं, बिल जनरेट कौन, बिल वाला काम कौन करवाता है?
कैशियर सर। आप टेबल पे बैठे हो तो आप बिल के लिए किससे बोलते हो? ना वेटर से तो बोलते हो, वेटर से। अगर आप लोग होटल में गए नहीं हो, रेस्टोरेंट में, कैशियर से सर। कैशियर से बोलोगे? अब कैशियर को क्या मालूम तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया? आप वेटर से बोलते हो कि वेटर, आप वेटर से बोलते हो ना कि वेटर बिल लेके आओ, क्योंकि वेटर को पता होता है ना कि आपने क्या ऑर्डर किया क्या नहीं किया, क्या कितनी रोटी खाई है आपने। सारी बात समझ में? तो बिल लेके कौन आता है? वेटर। और पेमेंट कब किसको करते हो? वेटर को। तो बाद में वेटर को टिप देते हो। आगे बात समझ में? तो मुझे बताओ कि इसमें सबसे मेन रोल किसका है? सेफ का, मालिक का, वेटर का, किसका मेन रोल है रेस्टोरेंट में? हमारा, वेटर वेटर का सर। वेटर का, वेटर का। हमारा सर। लग रहा है नीतीश ने रेस्टोरेंट गए नहीं अभी है। किसका मेन रोल होगा होटल में? सर हम जाएंगे, वेटर वेटर हम जाएंगे नहीं तो सर वो क्या करेंगे? अरे हम अभी कह रहे तुम गए हो टेबल पे बैठे हो और ऑर्डर दे रहे हो, ये तो अपन पहले डिसाइड कर चुके ना, पहुंच गए हैं। फिर वेटर का हम तो जा चुके ना, समझो वेटर का मेन रोल है। अब सोचो आपने खाना खा लिया और वेटर चला गया, तो जो मालिक होगा वो भी आपसे पेमेंट ले पाएगा, कितना क्या पेमेंट हुआ। अब तो बोलो हमने 4 रोटी खाई, तुमने खाई 10 रोटी, तो ये पंगा हो गया। तो पूरे रेस्टोरेंट को चला कौन रहा है? वेटर। चलाता है, चलाता है। आप तो क्या, आप तो ऑर्डर दे रहे हो खा रहे हो बैठ के। आपने तो एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट की वेटर को कि जाओ दाल लेके आओ। अब जो वेटर क्या करता है, मॉडल के पास सेफ के पास जाता है, सेफ से सामान लेता है, आपको ला के देता है। आप जो भी रिक्वेस्ट माँ बोलते हो, वेटर सेफ के पास जाता है, सेफ से बोलता है, सेफ वो रेडी करके वेटर को देता है, वेटर आपको देता है। आप डायरेक्ट जा सकते हो सेफ के पास किचन में कि भाई दाल मखनी रेडी कर दो, रोटी रेडी कर दो, वो कर देगा आपके लिए रेडी? बताओ साहब, वो रेडी कर देगा क्या आपके लिए? नहीं, मना कर देगा ना? नहीं नहीं, अब वहीं जाइए। समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे MVC जो है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो यहाँ पे जो मॉडल कौन है? ये सेफ। और व्यू कौन है यहाँ पे? आप लोग जो आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा express.com, जी मैंने बोला ना मैं व्यू, मैंने कहा ये वेबसाइट खोल दो। तो अब ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोलर कौन हुआ? वेटर, ठीक है। सारा खेल किसका है यहाँ पे MVC में? कंट्रोलर का, वेटर का। समझ आगे बात इतनी? तो हमारा जो पूरा सेटअप होगा ना, वो किस पे सेटअप होगा? MVC पैटर्न पे, मॉडल व्यू और कंट्रोलर पे। आगे बात समझ में? यहां से सारे लोग, आपका नोड छूटा है, MongoDB छूटा है, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। सारा कुछ यहां से कवर हो जाएगा। अब सही तरीके से प्रॉपर क्लास लो, ठीक है। तो अब बनाओ डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर, मॉडल्स व्यूज और कंट्रोलर। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेटअप कर रहे हैं। तो मैंने बनाया एक फोल्डर मॉडल्स MVC, ये MODEL मॉडल्स व्यूज और कंट्रोलर्स। ये फोल्डर किसके अंदर बनेंगे? एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट के अंदर। और एक बनाओ पब्लिक, एक बनाओ डेटाबेस DB। ये आप बना लो फोल्डर सब लोग।
संज्ञा हो गया? यस सर। चलो अब देखो, अब इसको आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लो। VS कोड पर ओपन कर लो। कर लिया आपने ओपन इस तरीके से। अब देखो कंट्रोलर्स डीवी मॉडल्स पब्लिक व्यू ओपन हो गया। मैं जो करा रहा हूं आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है घर पे और कुछ नहीं करना। एक प्रैक्टिस वाला फोल्डर बना लेना आप लोग, जो मैं यहाँ पे कराऊं उसकी घर पे आप प्रैक्टिस करना। कभी आप क्लास ना ले पाओ तो बता देना मैसेज करके, वो क्लास मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना अच्छे से, पर आपका लॉस होगा बहुत ज्यादा। चलो अब देखो, अब मैं बनाता हूं एक फाइल, इस पर क्लिक करना है। देखो इस पर क्लिक करके एक फाइल एप डॉट जेएस मेन फाइल, ये एप डॉट जेएस ना, ये हमारी मेन फाइल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली प्रोजेक्ट का सेटअप। कर लिया। अब देखो Yes, sir. अब देखो हम आते हैं यहां पर एक्सपेस पे। अब आप लोग भी ओपन कर लो वेबसाइट वाली एक्सपेस.com। अच्छे से करना, जिनका सेवन सेम हो या जिनका फाइनल ईयर हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। हो गया? Yes, sir. देखो अब इसी पे लिखा है गेट स्टार्टेड, यहां पे लिखा है इंस्टॉलिंग, इस पे क्लिक कर लो। जो कैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा है, हेलो नमस्ते, तो अब देखो यहां पे मैं नीचे आया, ये मुझसे क्या कह रहा है सब देखो। सबसे पहले मुझसे कह रहा है एनपीएम एडिट करने के लिए, जूम करता हूं थोड़ा, एनपीएम इनिट
इससे क्या बनेगा, आपके में एक फाइल बनेगी package.json नाम की, और इस फाइल में क्या रहेगी, आपकी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। ठीक है, तो अपन आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे VS कोड पर app.js हमारी मेन फाइल है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, npm init करना होगा। देखो, तो मैं इस टर्मिनल पे क्लिक किया, न्यू टर्मिनल किया, और देखो यहां लिखा मैंने npm, npm का मतलब नोड पैकेज मैनेजर, init, एंटर दिया। अब देखो मेरे में नोड इंस्टॉल ही नहीं है, इसका मतलब आप लोग करो npm कर लो आप लोग। जैसे आप npm इनिट करोगे ना, तो नेक्स्ट 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 करते जाना आप लोग। लैपटॉप फॉर्मेट हो गया ना मेरा, इस चक्कर में आप लोग npm इनिट कर लो। ये टर्मिनल चालू करो, npm इनिट, फिर नेक्स्ट 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 करते जाओ, आपके में यहां पे एक फाइल बन के आ जाएगी package.json नाम से। नेक्स्ट लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, अरे एंटर दे दो, npm इनिट लिख के इतना लिखना, npm इनिट और एंटर देते जाओ, एंटर देते जाओ। एक मिनट रुको, हरी हरी स्किन से करना अपनी, npm इनिट लिख के एंटर देना है, एंटर दो, एंटर दो। अब देखो मुझसे क्या कह रहा है, पैकेज नेम, थोड़ा कंट्रोल प्रेस कर देना, कंट्रोल प्लस। बस 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 ठीक, बस बस ठीक ठीक है। अब देखो क्या लिखा पहले, सब देख लें, हमने यहां पे लिखा npm init, एंटर दिया, इसने पूछा पैकेज नेम, तुम्हारा फोल्डर का नेम आ गया, फिर आप एंटर दो, फिर एंटर दे दो। अब वर्जन, हाँ बोलो बोलो, मेरे में सर नेक्स्ट लिख के पैकेज नेम सर नेक्स्ट लिख के आ रहा है। दोबारा दोबारा टर्मिनल चालू कर लो, उसको हटा दो टर्मिनल को, डिलीट कर दो, और अभी अभी रुक जाओ, पहले देख लो सामने, अभी देखो पहले क्या लिखा हुआ है, npm इनिट करना है और फिर नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, एंटर एंटर देते जाओ, एंटर एंटर देते जाओ। अब देखो यहां पे, यहां सब देखो, एंट्री पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, app.js लिख के आ रहा है, हमारी मेन फाइल कौन सी है, app.js, फिर एंटर दो, एंटर देते जाओ एंटर, फिर दे दो, फिर दे दो, बस फिर एंटर दे दो। ठीक है, बस आप लोग भी npm init लिखो, एंटर 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 देते जाओ, लास्ट में आपकी कमांड वापस आ जाएगी। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था, जैसे अपन यहाँ पे app.js फाइल नहीं बनाते हैं और उससे पहले इंस्टॉल करते हैं npm init से, तो बाय डिफॉल्ट फाइल अपनी क्या बनेगी, इंडेक्स बनती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ठीक है, हो गया। अब देखो दिखाना फाइल, बोलो क्या नीचे आ गया, नीचे तो ओके आ गया उस, हाँ फिर एंटर दे दो, कमांड वापस आ जाएगी लौट के, हो गया सर, हो गया सर। अब दिखाना फाइल, दिखाना साइड में, हाँ सर, package.js, अब आपके में एक फाइल बन के आ गई package.json नाम की, इस पे क्लिक करो। अब इसमें क्या रहेगी, आपके पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी, ये टर्मिनल थोड़ा नीचे कर देना, देखो ऊपर टर्मिनल हटा दो, हटा, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। हाँ देखो आ रहा है पूरा, पैकेज नेम, वर्जन,
आगे सारा कुछ सबका हो गया? यस नहीं सर, मेरा नहीं हो रहा सर, ये कीबोर्ड आधार लिख के आ रहा। स्किल से करो, एक्सप्रेस पे चलो। उसके बाद अब मुझसे क्या बोल रहा है करने को, देखो ब्राउजर पे आ जाओ, ब्राउजर पे, इस पे नहीं, ब्राउजर पे एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन कर लो। हाँ, उस पर क्लिक करो, गेट स्टार्टेड पे, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे स्क्रॉल कर लो। हाँ, अब मुझसे ऊपर थोड़ा ऊपर, अब थोड़ा ऊपर, अब मुझसे क्या बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है इसके बाद, npm install express बोला है ना, कि अब आप क्या करो, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करो। चलो आ जाओ VS कोड पर आ जाओ, और मैं क्या करना होगा, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। सब लोग टर्मिनल चालू कर लो, ये बीएस को मिनिमाइज कर लो ना, ये क्यों खोल रखा है इसको। अब टर्मिनल चालू करो, टर्मिनल ओपन कर लो, npmi एक्सप्रेस कर लो। npmi express सर, ये छोटी कैसे होती है इसकी फोन, थोड़ा जूम कम कर लो। कर रहा हूँ सर, लेकिन नहीं हो रहा। अब कोई नहीं, लिख लो npmi express कर लो, कोई दिक्कत हो रहा उससे। कंट्रोल माइनस, npm आई है सर, अभी npm आई मतलब इंस्टॉल। हाँ, npm आई एक्सप्रेस, npm आई express जी मैंने दे दिया चैट में, npm के बाद स्पेस दो आई। एंटर दे दो, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लो। हो गया? यस सर। बाकी लोगों का अब देखो, जैसे आपने, अब देखो आपके में एक फोल्डर एक्स्ट्रा बन गया होगा, बन गया नोड मॉड्यूल्स नाम का। जैसे आपने npmi एक्सप्रेस किया, वैसे एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया नोड मॉड्यूल्स, और एक पैकेज लॉग डॉट जेसन वाली फाइल भी क्रिएट हो गई, दिख रहा है? अब देखो इस नोड मॉड्यूल के अंदर क्या है, जानते हो? सारे हमारे पैकेजेस हैं, देखो बॉडी पार्ट्स, बाइट्स, ओके, दिख रहे हैं? ये सारे हमारे क्या हैं, पैकेजेस। और इसी में देखो एक्सप्रेस भी होगा नीचे, देखो एक्सप्रेस दिख रहा है। जैसे मैंने npmi एक्सप्रेस किया,
तो हमें क्या मिला, नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर मिला। उस फोल्डर के अंदर हमारे क्या हैं, सारे पैकेजेस। ये फोल्डर गलती से डिलीट नहीं होना चाहिए, अगर ये डिलीट हो गया ना तो फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेस तो सी के अंदर इंस्टॉल सेटअप है ना, देखो उसका आ रही बात समझ में। अब इसको बंद करो, अब नीचे लिखा है पैकेज लॉग जेसन वाली फाइल ओपन करो, ये वाली पैकेज लॉग जेसन। अब देखो इसमें क्या मिला है, इसमें सारे बता रहा है पैकेज कि नोड मॉड्यूल के अंदर आपके कौन कौन से पैकेज हैं। नीचे आओ, नोड मॉड्यूल्स एक्सेप्ट, नोड मॉड्यूल देखो उनका नाम, लिंक, वर्जन, चेक कर लो आप लोग, कर लिया। तो फिर समझो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने बनाया एक फोल्डर एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट नाम का, उसके अंदर बनाए हमने चार पांच फोल्डर, एक मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स, डीबी, पब्लिक। फिर हमने बनाई एक फाइल एप डॉट जे एस नाम की, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, npm init किया। npm init से क्या हुआ, हमारी एक फाइल बन के रेडी हो गई पैकेज के नाम से, जिसमें हमारी क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन। और फिर हमने उसके बाद क्या किया, npm i express किया। express से क्या होगा, हमारे सिस्टम में एक नोड मॉड्यूल का सेटअप हो गया, इंस्टॉल हो गया फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर हमारे क्या हैं, सारे पैकेजेस रखे हैं, ठीक है। इसी फोल्डर से अपन यूज करेंगे एक्सप्रेस को। तो गलती से ये नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर आपका डिलीट नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में, आप लोग कहीं लिख लिया करो कॉपी पे या नोट पेड पे कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, है ना। नहीं तो आप बाद में ये सेटअप भी नहीं कर पाओगे। और घर पे जाके इतना प्रैक्टिस करो जितना हम ये कराते जाते हैं ना, इतना आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा डेली। एक नोट पैड में लिख लो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं बाद में, पहले क्या करना था, पहले क्या करना था, ठीक है। क्लियर हो गया इतना।